हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल की एक और नई और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एम किट एक्साइट न्यू कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग, जो कि बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है और इसकी हम बहुत ही प्यारी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और मैं आपको रिव्यू भी इसके शेयर करूँगा। और दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग प्यारी इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमको मिलता है बहुत ही प्यारा सा कीबोर्ड। तो चलिए अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल वाले बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर देना। उससे होगा क्या कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी और आप उस वीडियो का मज़ा सबसे पहले ले पाएंगे। तो और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। जो अनबॉक्सिंग है वो काफ़ी सिंपल रहने वाली है क्योंकि आपको कीबोर्ड के बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज तो नहीं मिलती है। तो हमारे यहाँ एक कीबोर्ड मिलता है और कीबोर्ड की हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं इसकी वायर की क्वालिटी। वायर काफ़ी लंबी है दोस्तों और जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है और जो हमारे यूएसबी सपोर्ट के साथ हमारा ये कीबोर्ड चलने वाला है। तो आपने कभी ना कभी तो यूएसबी प्लग को यूज़ करा ही होगा अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो इसे आप खाली इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर जिसमें भी, और बड़ी आराम से इस कीबोर्ड का मज़ा उठा सकते हैं। वेल, तो बात करते हैं हम इस कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड हमारा 1 ईयर की वारंटी के साथ आ जाता है। जो हमारे कीबोर्ड के बॉक्स के पीछे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ हाइलाइटेड कीबोर्ड के फीचर हैं, जो कि हमारा पहला फीचर है वो स्पिल रेजिस्टेंस कीबोर्ड डिज़ाइन है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो कीबोर्ड है वो स्पिल रेजिस्टेंस है, मतलब कि आप वाटर का अगर गलती से गिर जाता है, पानी अगर गलती से गिर जाता है तो इसको कीबोर्ड को ज़्यादा डैमेज नहीं होने वाला है। और इसका मतलब ये दोस्तों ये नहीं कि आप उसको पानी में ही डुबो देंगे तो उससे तो जाहिर सी बात है दोस्तों ख़राब हो जाएगा कीबोर्ड। लेकिन स्पिल प्रूफ, मतलब गलती से अगर पानी गिर जाता है तो उसमें ये आपका कीबोर्ड सेफ रहने वाला है। जो दूसरी आपकी बात है वो बहुत ही अमेजिंग बना देती है। जो दूसरा फीचर है इस कीबोर्ड को बहुत ही अमेजिंग बना देता है वो इसके एक्स्ट्रा फंक्शंस कीबोर्ड के बटन। इसमें हमारा क्या होता है कि आपको जो ऊपर की साइड कुछ एक्स्ट्रा बटन्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप म्यूट कर सकते हैं वीडियो को, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं, गाने को रैंडमाइज कर सकते हैं, मतलब कि पॉज प्ले नेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। और जो आपको एक साइड देखने को मिल जाता है ईमेल खोलने का, माई पीसी खोलने का, कैलकुलेटर खोलने जैसे काफ़ी अमेजिंग बटन मिल जाते हैं। और जो ये तो थे हमारा दूसरा फीचर। और तीसरे फीचर की अगर हम बात करें तो यार इसका क्लासी लुक जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। और जो अगर आपके पीसी के सामने ये कीबोर्ड रखा होगा तो आपके पीसी को भी काफ़ी प्रीमियम लुक देगा क्योंकि इसका डिज़ाइन ही बहुत कमाल का है। इसके एजेस, इसके कट्स और इसके डिज़ाइन तीनों ही चीज़ दोस्तों इसमें बहुत बेहतरीन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें WASD वाले कुछ बटन्स हैं जिनको अलग कलर दिया गया है, जो कि इस कीबोर्ड को काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करते हैं और इसकी कीबोर्ड की डिज़ाइन और खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। वेल, तो जो इसके बटन की बात करें तो वो काफ़ी सॉफ्ट प्रेस वाले हैं, मतलब काफ़ी सॉफ्ट फीलिंग आपको आने वाली है अगर आप टाइपिंग करते हैं तो। और टाइपिंग के लिए कीबोर्ड दोस्तों बेस्ट है क्योंकि इसमें सॉफ्ट कीज मिलती हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा हार्ड प्रेस करना नहीं पड़ेगा अगर आप किसी की को यूज़ करना चाहते हैं। ईजी कम्फर्टेबल है दोस्तों, आप ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाने वाला है इस कीबोर्ड के साथ। और ये थे हमारे इसमें कुछ फीचर्स के बारे में। अब बात कर लूँ मैं रिव्यू के बारे में तो दोस्तों इसका प्राइस जो है आपको मिल जाएगा, ये तकरीबन MRP पे दी गई है जो है 400 रुपीज़ की। और आपको ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप इस कीबोर्ड को परचेज़ करना चाहते हैं तो। वेल, तो अगर मैं इसके रिव्यूज़ की बात करूँ तो यार मेरे हिसाब से ये कीबोर्ड काफ़ी है, मतलब कि ये वर्थ करता है कीबोर्ड है, मतलब कि इससे बेस्ट आपको कीबोर्ड कहीं नहीं मिल सकता। अगर आपको बेस्ट टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहिए, इस तरीके के सॉफ्ट कीज वाला बोर्ड चाहिए तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। और मैं इस कीबोर्ड को दूंगा यार 9 out of 10 क्योंकि इस आप कीबोर्ड है थोड़ा बढ़िया, क्योंकि यार कीबोर्ड बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, वायर क्वालिटी ओवरऑल यार कीबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है। स्टूडियो में मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी होगी इस कीबोर्ड के बारे में और आपकी जो मदद करी होगी। तो अब आपकी बारी है दोस्तों मेरी मदद करने की। और आप वो कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मुश्किल से 3 सेकेंड लगेंगे दोस्तों। और बगल में नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट कर देना अगर मैं से कुछ इस कीबोर्ड के बारे में छूट गया है या कुछ मिस हो गया है या आपको सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय एंड कीप वॉचिंग फ्रॉस्टी टैंक।